बॉबी झा MNS न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नई दिल्ली चक्रवात फानी सोमवार की शाम और गंभीर हो गया तथा यह ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने इस संबंध में जानकारी दी है कि अधिकारियों ने बताया है बुधवार तक यह तूफान बेहद खतरनाक चक्रवात का रूप लेकर आ सकता है। सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और भारतीय तट रक्षक बल को हाई अलर्ट पर रखा है। खतरनाक तूफान में बदल सकता है चक्रवात फानी अलर्ट पर NDAR ने तट रक्षक बल चक्रवात फानी सोमवार की शाम और गंभीर हो गया तथा यह ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने इस संबंध में जानकारी। लोकसभा चुनाव 2019 में आई एक बड़ी खबर। रात 9 बजे के बुलेटिन में IMD के चक्रवात चेतावनी खंड ने बताया कि अभी यह तूफान श्रीलंका में त्रिलोकमानी से करीब 620 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व और चेन्नई से 700 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व तथा मछलीपट्टनम से 900 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में है। जानकारी में बताया गया है कि इसके 1 मई की शाम तक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की आशंका है। आमतौर पर किसी चक्रवात तूफानी की हवाएं की गति 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है जबकि हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ सकती है। अत्यंत भयंकर चक्रवात तूफान के मामले में हवा की गति 170-180 किमी प्रति घंटे तक हो जाती है और यह 195 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। स्थिति पर करीबी नजर रख रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के बाद NCMC की बैठक हुई। इस बीच ओडिशा सरकार के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को कहा कि संभावित चक्रवात के मद्देनजर राज्य सरकार ने दक्षिणी और तटीय जिले को सतर्क कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य में चक्रवात की वजह से भूस्खलन की संभावना नहीं है। अधिकारी ने कहा कि सभी 180 चक्रवात केंद्रों के अलावा ODRF की 20 इकाइयों NDARF की 12 इकाइयों और 335 अग्निशमन इकाइयों को भी अलर्ट कर रखा है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।